नंबर थर्टी वन द सर्विस एरिया अप्रोच वॉज इम्प्लीमेंटेड अंडर द ऑफ द सर्विस एरिया अप्रोच सी देर इज अ एरिया वर्ड सर्विस एरिया सो इन इन ऑप्शन इज इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड वर्ड इफ देर इज अ एरिया अप्रोच एरिया इट शुड नॉट बी इंटीग्रेटेड फॉर द मतलब कि इंटीग्रेटेड वर्ड नहीं आना चाहिए महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम सी ऑप्शन There is also no, uh, there is a national word. So, how it can be the area specific, right? It is a national scheme. So, it is not area specific scheme. It is C also is a, uh, eliminated. A is eliminated because it is an integrated scheme, integrated program. In D option also, there is a national word, national skill development mission. So, if there is a area word because of integrated national words, A, C and D are eliminated and option B, lead bank scheme is uh, द आंसर एक्चुअली इस ऐसे वाले क्वेश्चन का आंसर ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है मतलब कि 2015 या 14 में ऐसा एक लीड बैंक स्कीम किसके मतलब कि कोई ना कोई स्कीम के बारे में ऐसे क्वेश्चन आया था लीड बैंक स्कीम और सर्विस एरिया अप्रोच एग्जैक्टली रिपीट हुआ है एंड अदर देन दैट शंकर गणेश जो इकोनॉमी का बुक मैं आप, आपको रिकमेंड करता हूँ उस बुक से क्वेश्चन डायरेक्ट कवर होता है सो लेट मी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी टू विथ रेफरेंस टू द मैनेजमेंट ऑफ माइनर मिनरल्स इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मैनेजमेंट ऑफ माइनर मिनरल्स माइनर मिनरल्स का मैनेजमेंट कौन करता है तो ऑप्शन टू एंड थ्री आर कॉन्ट्राडिक्टी टू इच अदर लेकिन ऑप्शन थ्री तो देखो ऑप्शन नीचे कॉम्बिनेशन आप देखोगे ए बी सी एंड डी चारों में थ्री इज ऑलरेडी देर मतलब कि थ्री ए में थ्री है बी में थ्री है सी में थ्री है डी में थ्री है देखो गेम कैसे खेला है यूपीसी ने मतलब कि थ्री इज डेफिनेटली करेक्ट हंड्रेड परसेंट करेक्ट क्योंकि ऑप्शन उफ्ष, सारे ऑप्शन में दिया है तो थ्री हमें पढ़ना है स्टेट गवर्नमेंट्स हैव द पावर टू फ्रेम रूल्स टू प्रिवेंट इलीगल माइनिंग ऑफ माइनर मिनरल्स मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट रूल्स बनाता है माइनर मिनरल के लिए ऐसा थर्ड बोल रहा है एंड इट इज करेक्ट स्टेटमेंट कॉम्बिनेशन के हिसाब से एंड सेकंड वाला सेकंड वाला आप अगर पढ़ोगे तो इट इज़ कॉन्ट्राडिक्टिंग द थर्ड स्टेटमेंट सेकंड वाले स्टेटमेंट में क्या बोला है

तो ए ओनली वन का देखना है हमें सैंड इज़ अ माइनर मिनरल अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग लॉ इन द कंट्री मतलब कि सैंड इज़ अ माइनर मिनरल और आगे उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है क्यों अकॉर्डिंग टू द लॉ मतलब कि ऐसे लिखा है कि हाँ अकॉर्डिंग टू लॉ सैंड इज अ माइनर मिनरल ऐसा थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ हो, स्टेटमेंट होता है ना जैसे यहाँ पे लिखा होता कि सैंड इज़ अ माइनर मिनरल और फुल स्टॉप दिया होता तो तो शा, शायद थोड़ा सा मतलब कि हमको सोचना पड़ता कि पता नहीं लेकिन आगे उन्होंने अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग लॉ इन द कंट्री ऐसे बोला है इसलिए वो स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा एक्सटेंड किया है उस एक्स उस उस स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन दिया है इसलिए वन एंड थ्री ओनली ए ऑप्शन इज द आंसर लेट मी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स सी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट सेकंड वाले में देखो ऑल ऑफ द इंडियाज एक्सटर्नल डेबिट इज डिनोमिनेटेड इन यू एस डॉलर ऑल ऑफ द ऑल ऑफ द ऐसे ऑप्शन आते हैं ना ऑल ऑल ऑफ द तो वो ऑप्शन रॉन्ग होता है इसलिए टू इज़ रॉन्ग एंड वन इज़ वन इज वन क्या है मोस्ट ऑफ इंडियाज़ एक्सटर्नल डेबिट इज़ ओल्ड बाई गवर्मेंट इंटिटीज़ ये भी रॉन्ग है मोस्ट ऑफ नहीं मतलब कि मोस्ट ऑफ़ द इंडियन इंडियाज़ एक्सटर्नल डेबिट इज ओल्ड बाई प्राइवेट इंटिटीज़ ऐसा होना चाहिए था लेकिन वो गवर्नमेंटल इंटीटीज़ दिया है लेकिन इसमें कोई ज़्यादा लॉजिक नहीं था क्योंकि मोस्ट ऑफ़ द वर्ड ऐसे लिखा है तो ऑल ऑफ़ द तो नहीं लिखा इसलिए वो इलिमिनेट नहीं कर पाते थे उस लॉजिक से जैसे सेकंड वाले को किया ऑल ऑफ़ द इंडियाज एक्सटर्नल डेबिट ऐसे लिखा है तो इसलिए टू रॉन्ग हुआ लेकिन अगर एक में ऑल ऑफ ऑल ऑफ़ द वर्ड होता तो डेफिनेटली रॉन्ग कहते लेकिन मोस्ट ऑफ द बोला है तो वैसे उस लॉजिक से तो उसको एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे लेकिन हमें ये पता होना चाहिए था कि इट इज़ अ प्राइवेट एंटिटीज देर फोर ना इधर वन नॉट टू ऑप्शन डी इज द आंसर क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री का ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द एसेट्स ऑफ कमर्शियल बैंक इन इंडिया विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द एसेट्स ऑफ द कमर्शियल बैंक इन इंडिया ऑप्शंस क्या है एडवांसेस डिपॉजिट्स इन्वेस्टमेंट्स एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस मतलब कि नॉट इंक्लूडेड पूछा है तो ए एंड बी एग्जैक्टली अपोजिट टू इच अदर है ए इज एडवांसेस बी इज डिपॉजिट्स मतलब कि या तो ए आंसर होगा या बी आंसर होगा क्योंकि नॉट पूछा है बाकी तो सी एंड डी तो छोड़ ही दो क्योंकि वो वो मतलब इन्वेस्टमेंट मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस वो तो है एसेट्स और ऊपर से ए एंड बी दोनों में से आंसर होना चाहिए क्योंकि ए इज़ एडवाज बी इज़ डिपॉजिट्स दोनों अगेंस्ट इच अदर है तो उतना पता है कि ए एंड बी में से आंसर है अभी आपको थोड़ा बेसिक uh, कम uh, मतलब कि इकोनॉमी का बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए था होना चाहिए कि डिपॉजिट्स आर लायबिलिटी मतलब कि uh, हमने डिपॉजिट्स अगर रखे तो बैंक का एसेट नहीं है वो बैंक को देना ही पड़ेगा वापस जब हम uh, वापस पूछेंगे जैसे फिक्स फिक्स डिपॉजिट हमने डाल दिया फिक्स डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट तो इट इज़ इट्स लाइबिलिटी कमर्शियल बैंक को वापस ही देना पड़ेगा सो इट इज़ नॉट देयर एसेट लेकिन एडवांसेस मतलब लोन्स अगर बैंक ने लोन दिया तो वो उनका एसेट है वो कभी भी रिकवर कर सकते हैं राइट इसलिए ऑप्शन नंबर बी थर्टी फोर का आंसर है डिपॉजिट्स तो इस तरीके से मतलब कि स्टैटिक के भी बहुत सारे चीज़ें मैं अपने नोट्स में कवर किए हैं एनी बडी वॉन्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया है कैसे नोट्स लेने हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया विच ऑफ़ द फॉलोइंग फैक्टर इज आर कंट्रीब्यूटर कॉन्ट्रीब्यूटर्स टू रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ द करेंसी क्राइसिस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज आर कॉन्ट्रीब्यूटर्स टू रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ करेंसी क्राइसिस मतलब कि करेंसी क्राइसिस रिस्क करेंसी क्राइसिस कैसे रिड्यूस होता है तो सेकंड वाला पढ़ते हैं इंक्रीजिंग द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर सी अगर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ाएंगे तो करेंसी का और ही क्राइसिस होगा मतलब कि पैसे गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ाएंगे तो पैसे इकोनॉमी में ज़्यादा आएंगे तो पैसे की वैल्यू इन्फ्लेशन बढ़ेगा राइट right? इसलिए मतलब कि पैसे की वैल्यू कम होगी करेंसी क्राइसिस होगा इसलिए टू इलिमिनेट हो रहा है रॉन्ग है इसलिए सी एंड डी ऑप्शन आर इलिमिनेटेड तो ए एंड बी दोनों में वन इज़ ऑलरेडी देयर वन क्या है द फॉरन करेंसी अर्निंग ऑफ इंडियाज आई टी सेक्टर देखो फॉरन करेंसी अगर अर्न हो रही है तो मतलब कि अर्निंग हो रहा है मतलब कि वन वाले स्टेटमेंट में क्या हो रहा है अर्निंग हो रहा है थर्ड स्टेटमेंट में भी क्या हो रहा है रेमिटेंसेस फ्रॉम इंडियन अब्रॉड मतलब कि वो भी एक अर्निंग ही हो रहा है लेकिन सेकंड में खर्चा हो रहा है तो उस हिसाब से वन एंड थ्री आर द रिड्यूसिंग द करेंसी क्राइसिस राइट मतलब कि स्टेटमेंट्स का आंसर ये भी देखना है कि इफेक्ट क्या हो रहा है वन एंड थ्री में इंडिया में इनकम आ रहा है सेकंड सेकंड में गवर्नमेंट खर्चा कर रहा है मतलब कि इसलिए बी ऑप्शन वन एंड थ्री ओनली थर्टी सिक्स तो ये क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग सजेस्टेड द गवर्नर शुड बी

बी इज अ कमेटी ये दोनों में थोड़ा कन्फ्यूजन था कि हाँ नाम तो है राजा मन्नार और सरकारिया बाकी दोनों में नाम नहीं है ए एंड डी में किसी पर्टिकुलर कमेटी का नाम नहीं है इसलिए ए एंड डी को इजिली इलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि कोई तो कमेटी नेम वाइज कमेटी होगी ये स्पेसिफिक चीज़ बताने के लिए तो राजा मन्नार इज अ कमिटी एंड सरकारिया इज़ अ कमीशन तो ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें अगर रिकमेंड कोई करता है तो कमीशन होता है ये भी एक लॉजिक है और कमेटी राजमन्नार कमेटी तमिलनाडु गवर्नमेंट का था तो इसलिए इसका आंसर है सी सरकार कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट अपॉइंट किया था तो सी सरकारिया कमीशन इज द आंसर लेकिन इसमें कुछ लॉजिक नहीं था ये बस ऐसे ही क्वेश्चन था जो फैक्चुअल था एलेवेंथ स्टैंडर्ड के आंसर लेकिन मेरे नोट्स में आपको राजमन्नार कमेटी के बारे में मिलेगा फर्स्ट ईयर सी के बारे में मिलेगा सरकारिया कमीशन के बारे में मिलेगा डिटेल और कौन कौन सी कमीशन कमेटीज अपॉइंट हुई थी इस बारे में वो सारा

प्रोमिसरी नोट कमर्शियल पेपर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट डीज आर डिफरेंट वर्ड्स इकोनॉमी में लेकिन पार्ट वर्ड और पार्टिसिपेटरी नोट हो रहा है क्वेश्चन के क्वेश्चन के साथ इसलिए मैंने इसको डी ऑप्शन पार्टिसिपेट्री नोट इज द आंसर तो अभी हमें क्या करना है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की डेफिनेशन देखनी है कमर्शियल पेपर की प्रोमिसरी नोट क्या है पार्टिसिपेट्री नोट क्या है थोड़ा सा डिटेल में सर्च करना है तो ऐसी चीज़ें नोट्स में मिलती है और एग्जैक्टली exactly हैपन क्या हुआ ये थर्टी से थर्टी सेवन क्वेश्चन को मैंने अच्छे से मेरे नोट्स में लिखा था ट्वेंटी ट्वेंटी में एक्जैक्टली exactly क्वेश्चन आया था मतलब कि हाँ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और कमर्शियल पेपर दोनों दोनों को पकड़ के डायरेक्ट एक क्वेश्चन बना दिया यू ने तो ऐसे होता है राइट तो ऐसा फ़ायदा होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करके क्वेश्चन नंबर थर्टी एट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स और स्टेटमेंट्स दिए हैं दो तो सेकंड वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है कैसे पीपल्स पार्टिसिपेशन इज मैंडेटरी मैंडेटरी वर्ड आया इसलिए रॉन्ग है, है आगे का पढ़ना ही नहीं है आपको और वन इज एज पर लॉ देखो uh, मतलब कि एक क्वेश्चन आया था इसका एक मिनट है हाँ सैंड इज अ माइनर मिनरल थर्टी थर्टी टू और उसमें क्या बोला था अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग लॉ मतलब कि एज पर द लॉ अगर ऐसे वर्ड आता है ना कभी भी क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन में ऑप्शन में कि एज पर लॉ या एज पर एज पर द करंट लॉ या एज पर द प्रिवेलिंग लॉ लॉ का अगर लॉ वर्ड कहीं पे भी आता है ना अकॉर्डिंग टू लॉ तो वो स्टेटमेंट करेक्ट होता है वो अच्छे से एक्सप्लेन किया होता है जानबूझ के वहाँ पे एज पर लॉ डाला होता है आपको हिंट दिया होता है कि हाँ दिस इज द थिंग एज पर लॉ राइट तो द कंपेंसेटरी अपरिस्ट्रेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी एग्जिस्ट एट बोथ द नेशनल एंड स्टेट लेवल एज पर लॉ वर्ड को मैंने अंडरलाइन किया है तो आप अपने दिमाग में छाप सकते हैं कि एज पर लॉ अकॉर्डिंग टू लॉ ऐसे वर्ड आएंगे तो डेफिनेटली करेक्ट होगा मैंडेटरी वर्ड आया तो डेफिनेटली रॉन्ग होगा तो ये भी चीज़ मैं करूँगा कि, कि मतलब कि जो जो ये है ना कौन से वर्ड और के वो पी भी मैं बनाऊँगा तो वो भी आपके साथ शेयर करूंगा तो उसका इसका आंसर हो गया ए ऑप्शन नंबर ए वन ओनली थर्टी का आंसर क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग रिव्यू द इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स इन सेक्टर्स लाइक टेली इंश्योरेंस इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा इन इंडिया विच ऑफ़ द फॉलोइंग रिव्यू द इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स मतलब कि इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स को कौन रिव्यू करता है जिस टेलीकम्युनिकेशन इंश्योरेंस इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा तो देखो फिफ्थ ऑप्शन डायरेक्टली देखो नीति आयोग ये तो आयोग है ये तो कम, मतलब कि ये रिव्यू नहीं करता है दिस इज़ लाइक अ प्लानिंग कमीशन राइट हमें पता है प्लानिंग कमीशन की जगह नीति आयोग आया था तो ये तो रिव्यू वगैरह नहीं करता है ये बस प्लानिंग नीति वगैरह डिसाइड करता है कि क्या नीति होगी क्या रणनीति होगी इसलिए नीति आयोग की वजह से सी एन डी इलिमिनेट हो गया फाइव ऑफ फाइव जी जिसमें जिस है सी एन डी में बचा कौन सा अब देखो फाइनेंशियल कमीशन थर्ड वाला ऑप्शन फाइनेंस कमीशन थर्ड वाला तो हाँ, पिछले वाले सालों में फाइनेंस कमीशन जगह जगह पर आया है फाइनेंस कमीशन का रोल क्या है वो हमें पता होता है इसलिए थ्री इज ऑल्सो रॉन्ग रिव्यू नहीं करता है वो बस रिकमेंडेशन देता है तो ये दोनो five, दोनों थ्री एंड फाइव दोनों रिकमेंडेशन देते हैं फोर का हमें देखना भी नहीं है लेकिन थ्री जिस जिसमें है बी एंड सी में थ्री है डी में एंड सी में फाइव है इसलिए ए ऑप्शन बचता है ओनली वन एंड टू इसलिए ऑप्शन नंबर वन एंड ए ऑप्शन वन एंड टू इज द आंसर एडहॉक कमेटी सेट अप बाय पार्लियामेंट इज द एडहॉक कमेटी सेट अप बाय द पार्लियामेंट मतलब कि उस पर्टिकुलर Purpose के लिए कमेटी बनाती है पार्लियामेंट एडवोक मतलब उस पर्टिकुलर रिव्यू करने के लिए बनाई और सेकंड क्या है पार्लियामेंट्री डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी राइट तो ये दोनों पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट ने बनाई हुई कमेटी है इसलिए क्वेश्चन नंबर फोर्टी सो विध रेफर इंडिया प्लान स्टेटमेंट इज आर करेक्ट ईयर प्लान के बारे में देखो देखो थर्ड वाला ऑप्शन इन द फिफ्थ फाइवर प्लान फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसे जब आता है ना ये एक्स्ट्रीम हो गया वर्ड फॉर पाँचवें प्लान तक कुछ नहीं था और डायरेक्टली पाँचवें फिफ्थ प्लान मतलब की पच्चीस साल बाद ऐसा हुआ कि द फाइनेंशियल सेक्टर वॉज इंक्लूडेड एज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्लान मतलब की ये थोड़ा सा एक्स्ट्रीम लग रहा है कि यार्थ फिफ्थ फाइवर प्लान पच्चीस साल बाद आया एंड इट वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम मतलब की फर्स्ट टाइम ऐसा वर्ड आया कि फर्स्ट टाइम फाइनेंशियल सेक्टर को इंक्लूड किया तो ये तो रॉन्ग लग रहा है राइट फॉर द फर्स्ट टाइम की वजह से इसलिए थ्री इज रॉन्ग सी एंड डी एलिमिनेट कर दिया ए एंड बी दोनों में टू है तो टू को आप खुद ही पढ़ लेना मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि टू इज़ डेफिनेटली करेक्ट एंड वन क्या है फ्रॉम द सेकंड फाइव ईयर प्लान देयर वॉज अ डिटरमाइंड थ्रस्ट टूअर्ड सब्सटीट्यूशन ऑफ बेसिक एंड कैपिटल गुड इंडस्ट्री तो ये वाला इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एन टी है इलेवन का उसमें अच्छे से कवर किया मतलब कि एन टी से कुछ चीज़ें डायरेक्ट कवर हो जाती है लेकिन थर्ड वाला ऐसे इलिमिनेट करना है फॉर द फर्स्ट टाइम की वजह से इसलिए क्वेश्चन नंबर फोर्टी का आंसर है वन एंड टू ओनली क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन ये पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप के बारे में क्वेश्चन है और पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप यूपीएससी का बहुत फेमस है आ, आ, हर एक दो साल के बाद कुछ ना कुछ उसके बारे में क्वेश्चन आता है तो अभी देखो पहले आप, आपको चार ऑप्शन दिए हैं ना उसमें से दो एंड चार में तो देखना ही नहीं क्योंकि वन एंड थ्री में आपको आपको फिगर मिलेगा वन इज़ एटीन वन में एटीन है थर्ड में नाइन्टी है तो टू एंड फोर आर डेफिनेटली करेक्ट हमें बस एक ही रॉन्ग क्योंकि दिए हुए कॉम्बिनेशन में बस एक ही कौन सा तो स्टेटमेंट रॉन्ग है तो देखो सेकंड वाला देख लो पहले स्टैगनेंट और डिक्लाइन पॉपुलेशन इज़ वन ऑफ द क्राइटेरिया मैंने बोला है वन ऑफ द वर्ड आता है तो स्टेटमेंट करेक्ट है इसलिए टू इज डेफिनेटली करेक्ट फोर क्या है हीरोल आर एंड कोंडा रेड्डी ट्राइब्स आर इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ पी अभी देखो हमें हाँ पता नहीं है फिर भी फिर भी हमें पता नहीं फोर फोर करेक्ट है या रॉन्ग है पता नहीं टू हमें डेफिनेटली पता है करेक्ट है लेकिन वन थ्री एंड फोर में फोर इसलिए करेक्ट है क्योंकि वन एंड थ्री में फिगर है और फोर में नेम्स है नेम्स हम याद रख सकते हैं वी कैन रिमेम्बर द नेम्स लेकिन फिगर्स हम याद नहीं रख सकते कि एग्जैक्टली exactly कितने कितने हैं कितने पर्टिकुलर वलरेबल ट्राइबल ग्रुप है मतलब कि ये बदलने बदलती हुई फिगर है ना राइट तो वन uh, क्या है पी वी टी रिसाइड इन एटीन स्टेट्स एंड वन यूनियन टेरिटरी मतलब कि पर्टिकुलरली वलरेबल टाइगर ट्राइबल ग्रुप कहाँ रहते हैं उसकी इंफॉर्मेशन है और थर्ड क्या है देर आर नाइन्टी फाइव पी वी टी जीज़ ऑफिशियली नोटिफाइड इन द कंट्री सो फार तो ये एटीन स्टेट्स में रहते हैं ये भी ठीक है थोड़ा सा याद रख सकते हैं जोग्राफी मैप मैप के हिसाब से हाँ एटीन स्टेट में रहते हैं वगैरह लेकिन ये नाइन्टी फाइव पी वी टी जीज़ है ये थोड़ा सा याद ना रहने वाली चीज़ है एक्चुअली इट इज सेवेंटी फाइव तो मतलब कि इसलिए वन एंड थ्री में से कोई एक रॉन्ग है तो वन वन थोड़ा सा ठीक ठाक लग रहा है कि स्टेट्स कहाँ कहाँ रहते हैं उसकी जानकारी है लेकिन थर्ड में क्या है इतने ऑफिशियली डिक्लेयर किए हैं तो वो थोड़ा सा रॉन्ग लगता है इसलिए थ्री इज रॉन्ग एंड थ्री रॉन्ग है इसलिए ऑप्शन नंबर सी वन टू एंड फोर इज द आंसर आई विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिशंस और लिमिटेशन और प्रोविजन्स कंटेंट इन ऑर्डिनरी लॉज कैनॉट एक्ट एज द प्रोबिशंस और लिमिटेशन ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स अंडर आर्टिकल वन फोर्टी टू इट कुड मीन विच ऑफ द फॉलोइंग मतलब कि देखो प्रोहिबिशंस ऑफ देखो ये वन फोर्टी टू आर्टिकल वैसे भी हमें पता ही होना चाहिए लेकिन देखो आ, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ए ऑप्शन क्या है डिसीजन टेकन बाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाइल डिस्चार्जिंग कैनॉट बी चैलेंजड कैनॉट बी वर्ड आई है और ये रॉन्ग स्टेटमेंट है कैन नॉट बी चैलेंज इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ मतलब कि इलेक्शन कमीशन के डिसीजंस भी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में आप चैलेंज कर सकते हैं right? राइट इसलिए ए इज़ रॉन्ग ऑप्शन सी ऑप्शन देखो इन द इवेंट ऑफ ग्रेव फाइनेंशियल क्राइसिस इन द कंट्री द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन डिक्लेयर फाइनेंशियल इमरजेंसी विदाउट द कंसेंट ऑफ कैबिनेट विदाउट मतलब कि प्रेसिडेंट विदाउट मतलब कि कैबिनेट के कॉन्सेंट के बिना कुछ भी नहीं कर सकते इसलिए सी इज़ रॉन्ग उनके डिस्क्रिशनरी पावर जहाँ जहाँ है वहाँ कर सकते हैं लेकिन ये तो डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है राइट right? ये फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर करना मतलब ये कैबिनेट का, का ही डिसीजन होगा राइट इसलिए सी इज़ रॉन्ग डी क्या है स्टेट कैन नॉट मेक लॉज ऑन सर्टन मैटर्स विदाउट द कॉन्करेंस ऑफ यूनियन लिस्ट ये भी रॉन्ग है स्टेट स्टेट लिस्ट है अलग से वी नो स्टेट लिस्ट यूनियन लिस्ट कॉन्करेंट लिस्ट तो स्टेट लिस्ट में तो कर सकते हैं इसलिए कैनॉट वर्ड आया है इसलिए वो स्टेटमेंट रॉन्ग है बी क्या है द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज नॉट कॉन्ट्रेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर बाय लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट या दिस इज डेफिनेटली करेक्ट बिकॉज जुडिशियल रिव्यू उसी लिए तो है और देखो ये बी वाला स्टेटमेंट और क्वेश्चन पढ़ते हैं आप देखो प्रोहिबिशन ऑफ लिमिटेशन और प्रोविजन कंटेंड इन ऑर्डिनरी लॉज लॉज वर्ड आया और इसी स्टेटमेंट में बस लॉ वर्ड आया है और बाकी कहीं पे भी लॉ वर्ड मतलब कि मतलब कि लॉ वर्ड इसमें ए वाले स्टेटमेंट में है लेकिन कैन नॉट बी चैलेंज इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ लेकिन एनी कोर्ट ऑफ लॉ है लेकिन ऑर्डिनरी लॉ और लॉ मेड बाय पार्लियामेंट वो मैच होता है ऑर्डिनरी लॉ एंड लॉ मेड बाय पार्लियामेंट इज सिमिलर वर्ड राइट मतलब क्या और कॉन्स्टिट्यूशनल पावर कैन नॉट बी एक्ट एज अ प्रोहिबिशन और लिमिटेशन मतलब कि देखो एक्सप्लेनेशन हो रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज नॉट कंस्ट्रेंड और प्रोहिबिशन एंड लिमिटेशन मतलब कि क्वेश्चन में जो वर्डिंग है वो उस स्टेटमेंट से मैच भी हो रही है और बाकी वाले स्टेटमेंट सीधे सीधे नॉट रॉन्ग लग रहे हैं इसलिए बी इज द आंसर क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री विथ रेफरेंस टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ़ स्टेट इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ इंडिया सॉरी Uh, दो तीन क्वेश्चन देखेंगे और ये वाला सेशन खत्म करेंगे विथ रेफरेंस टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ़ द स्टेट इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट देखो पहला वाला स्टेटमेंट क्या yeah, है द गवर्नर मेक्स द कस्टमरी एड्रेस टू द मेंबर्स ऑफ द हाउस एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ द ईयर या वी नो दिस ये फैक्चुअल क्वेश्चन है सेकंड वाला देख लो सेकंड वाला थोड़ा ट्रिकी स्टेटमेंट था फिन द स्टेट लेजिस्लेचर डज नॉट हैव द रूल ऑन ए पर्टिकुलर मैटर इट फॉलोज द लोकसभा रूल ऑन दैट मैटर इट फॉलोज़ ऐसा वर्ड आया है क्या है जब स्टेट लेजिस्लेचर के पास रूल नहीं होता देन इट फॉलोज अदरवाइज़ वो अपना अपना रूल बना सकते हैं लेकिन इफ इफ दे डोंट हैव इट फॉलोज़ इट फॉलोज़ ऐसे वर्ड है मतलब कि वो उनको फॉलो करने में क्या जाता है वो थोड़ी लॉ बना रहे हैं लोकसभा लोकसभा जैसा बस फॉलो करते हैं किसी चीज़ पे अगर लॉ ही नहीं है तो किसी बड़े का बड़े हाउस का अगर कॉपी करते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है मतलब कि ये कहीं पे लक्ष्मीकांत में नहीं था एन में नहीं था कहीं पे भी नहीं था वहाँ पे आपको थोड़ा सा लॉजिक चेक करना था कि हाँ यहाँ पे क्या कर सकता है स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकता है स्टेट लेजिस्लेचर क्या कर सकता है तो इसलिए इसका आंसर है बोथ वन एंड टू ये वाला स्टेटमेंट है ना बहुत लोगों का रॉन्ग हुआ था मतलब कि इवन आंसर की जो थी ना जितनी भी अनऑफिशियल आंसर की थी ना क्लासेस की सब ने वन ओनली आंसर दिया था एंड एंड यूपीएससी ने सी ऑप्शन दिया था वन एंड टू एंड उस टाइम मैंने वन एंड टू किया था इस लॉजिक से मेरे थिंकिंग की वजह से कि हाँ ये कर सकता है वाई नॉट मतलब कि वाई वाई स्टेट लेजिस्लेचर रूल नॉट फॉलो द रूल ऑफ लोकसभा अगर नहीं है उनके पास उस बारे में अगर फॉलो करने में क्या जाता है तो इसलिए मैंने वन एंड टू किया था तो सारे कीज के हिसाब से मेरा ये रॉन्ग आता था लेकिन जब यूपीएससी का किया आया इट वाज करेक्ट तो इस तरीके से आपको क्लासेस के किस से भी भारत का सोचना पड़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स यहाँ पे देखो हाँ ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये एक्सप्लेनेशन में बहुत टाइम जाएगा लेकिन मैं बस आपको आइडिया देता हूँ कि किस किस वर्ड की वजह से थर्ड वाले स्टेटमेंट में देखो स्पेसिफिक वर्ड आया है स्पेसिफिक इसलिए थर्ड वाला रॉन्ग है इसलिए सी टू एंड फोर ओनली इज़ द आंसर बाकी वाले स्टेटमेंट आप पढ़ लेना मैं उसमें टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि थर्ड वाले में स्पेसिफिक वर्ड आया इसलिए ये रॉन्ग रॉन्ग है और बाकी चीज़ें लॉजिकली लो, लो, ये होती है अप्लाई होती है इज हैल्सो रॉन्ग इसलिए टू एंड फोर इज द करेक्ट आंसर बस थ्री थ्री के हिसाब से मैंने इसको डिसाइड किया था कौन सा आंसर है सी टू एंड फोर ओनली नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट्स एज पर रिसेंट अमेंडमेंट टू द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट नाइनटीन ट्वेंटी सेवन फॉरेस्ट डेवलपेंट टू फेल द बम्बू ग्रोन ऑन फॉरेस्ट एरियाज मतलब कि वाला स्टेटमेंट बोला है मतलब कि कौन सा रॉन्ग है कौन सा करेक्ट है तो ये तो रॉन्ग है देखो एज पर द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट फॉरेस्ट एक्ट नाइनटीन का फॉरेस्ट एक्ट फॉरेस्ट ड्वेलर्स मतलब कि रिसेंटली अमेंड किया और उस, उस वहाँ पे क्या बोला है राइट टू फेल द बम्बू ग्रोन ऑन फॉरेस्ट एरियाज फॉरेस्ट एरिया में जो बाम्बू ग्रो होगा उसको गिराने की कभी भी इजाज़त नहीं होगी क्योंकि फॉरेस्ट एरिया जो वर्ड है ना उतना आपको पता होना चाहिए यू आर गोइंग टू बिकम इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर ऑल्सो डेफिनेटली मतलब कि जो ये प्रीलिम देते हैं तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए भी प्रिलिम सही है राइट right? तो अगर फॉरेस्ट एरिया के पेड़ भी अगर, अगर कट करने की इजाज़त दे तो फॉरेस्ट बचेंगे ही नहीं इसलिए वन इज़ डेफिनेटली रॉन्ग क्योंकि यहाँ पे फॉरेस्ट एरियाज नहीं है वो अलग है तो वन इज़ रॉन्ग इसलिए ए एंड डी इज एलिमिनेटेड बचा कौन सा बी एंड सी दोनों में थ्री है तो थ्री को पढ़ो पड़ो ही मत और ऊपर से ओनली अलाउज अलाउज वर्ड एट थ्री थ्री में क्या है फॉरेस्ट एक्ट टू थाउजेंड सिक्स अलाउज ओनरशिप ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू फॉरेस्ट ड्वेलर्स वही तो है क्योंकि फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट वही उसी के लिए है इसलिए थ्री इज करेक्ट और ए क्या है फॉरेस्ट राइट एक्ट बाम्बो इज अ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस ये भी आपको फैक्ट पता होना चाहिए था इट इज अ माइनर बॉम बाम्बो इज अ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस और टू टू और थ्री टू और थ्री है ना कनेक्ट हो रहा है मतलब कि देखो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस वर्ड आया है और सेकंड में भी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस वर्ड आया है तो एक ही टाइम पे दोनों स्टेटमेंट पे सेम वर्ड जब आता है ना तो वो स्टेटमेंट करेक्ट है ऐसे मैंने ऑलरेडी बोला है आपको माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस इसलिए टू एंड थ्री थ्री द आंसर सो लास्ट क्वेश्चन इन दिस वीडियो विच आर्टिकल ऑफ़ द कॉन्स्टिट्यूशन सेफ गार्ड वन राइट टू मैरी टू पर्सन ऑफ वंस चॉइस देखो राइट टू मैरी लाइफ से रिलेटेड है मतलब कि लाइफ का इंपॉर्टेंट डिसीजन है किसके साथ मैरिज करना है लाइफ चेंज होने वाली है आपकी किसी के साथ मैरिज होना तो आर्टिकल नाइनटीन इज़ जस्ट राइट टू एक्सप्रेशन ये वो मतलब कि वो तो नहीं आर्टिकल 25 तो है आर्टिकल ट्वेंटी uh, right, फाइव तो रिलीजियस राइट्स है आर्टिकल ट्वेंटी नाइन इज आल्सो रिलीजियस राइ एजुकेशन एजुकेशन लैंग्वेज वगैरह वो वाले राइट्स है तो राइट टू मैरी इज़ अ परसन्स ओन चॉइस लाइफ रि होगा तो आर्टिकल ट्वेंटी वन राइट टू लिबर राइट टू लाइफ वाला जो एक्ट आ, आ, आर्टिकल है उसी से कनेक्ट होगा इसलिए इसका आंसर है बी आर्टिकल ट्वेंटी वन सो आई होप इस वीडियो में मैंने ऑलमोस्ट पंद्रह क्वेश्चन पंद्रह या सोलह क्वेश्चन कवर किए और आई होप यू अंडरस्टैंड थोड़ा सा मतलब कि प्लानिंग की, की वजह से मैंने थोड़ा बहुत ही लेट हुआ ये वाला वीडियो बट कल 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 से मैं दिन में वीडियोस बनाऊंगा दस दस बजे जो मैंने प्लान किया था वीडियो वो वाला वीडियो में आ, कल के लिए स्किप करता हूँ क्योंकि अभी प्रेशर आएगा दोनों वीडियो एक साथ फिर तो देख नहीं पाओगे आप तो इसलिए बस आज के दिन के लिए इसी वीडियो पे मैं खत्म करता हूँ जिन जिन को नोट्स चाहिए वो मेरे को हाई कर सकते हैं एंड डेफिनेटली थोड़ा सा फास्ट फास्ट कल से सुबह से सुबह से सेशंस से लेंगे आज मुझे देरी इसलिए हुई कि यहाँ पे सात बजे से साढ़े नौ बजे तक कुछ एक मतलब कि कुछ चल रहा है नॉइज नॉइज़ चल रहा था यहाँ पे कोई कीर्तन वगैरह चल रहा था i could not make the session but uh, uh, i will uh, do the sessions in the morning evening afternoon session pay time pay hi katam karengi so thank you so much guys and uh, let us see remaining questions in the next videos good night